अब जिंदा रहना है तो एक ही रास्ता है, चारों चमगादड़ों पर अटैक करना होगा, वो भी एक ही मोमेंट पर। और हाँ, याद रखना, अगर एक सेकंड का भी हेर फेर हुआ तो इंफ्रा रेड लाइट की बीम से मारे जाएंगे हम सब। ये आवाज साहिल की थी। साहिल यूं तो एक ताबड़तोड़ योद्धा की तरह सारे खतरों को पार करता चला आ रहा था, लेकिन अब इस गेम की पहले स्टेज पर आकर साहिल और उसके तीनों साथी बुरी तरह फंस चुके थे। रात के अंधेरे में उन्हें एक ऐसे पानी के तालाब को पार करना था जिसके ऊपर चमगादड़ की शक्ल वाले कंप्यूटर ऑपरेटेड मिनी रोबोट्स थे। साहिल को पक्का यकीन था कि चमगादड़ की शक्ल वाले ये रोबोट ऑटो पायलट मोड पर थे, इसलिए उन्हें एक ही मोमेंट पर डिफ्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इम्पॉसिबल है साहिल, अब हम नहीं बच सकते, समीक्षा ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे, लेकिन साहिल ने उसका हाथ थामा और उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है। समीक्षा समझ गई थी कि मानव मोड में साहिल का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था, इसलिए जरूर साहिल कोई अतरंगी प्लान ही निकाल कर लाया होगा। साहिल ने समीक्षा के आंसू पोंछ दिए और उसे समझाते हुए बोला, चाहे कुछ हो जाए बस हमें हिम्मत नहीं हारनी समीक्षा, फिर देखना जीत हमारी होकर रहेगी। इस बात पर समीक्षा ने हां में सर हिलाया और अब समर और जयंत में भी जोश आ गया था। साहिल में कुछ ऐसी बात थी कि जब वो कुछ कहता तो सब में एक जोश भर जाता था। उसकी बातों में सबको एक ठोस इरादा और जीत की सच्ची ललक महसूस होती थी। शायद इसीलिए वह सबसे अच्छा प्लेयर भी था और बिना कहे वो सबका लीडर भी था। अगले ही पल साहिल ने अपनी शक्तिशाली विंग्स और साइंटिफिक दिमाग का चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। तेज गति से उड़कर उसने सबसे पहले पूरी पहाड़ी के चारों तरफ एक चक्कर काटा। वहां घूमकर उसने अपने माइंड में एक वर्चुअल सर्कल बना लिया था और मन ही मन उसका सरकमफेरेंस भी निकाल लिया। वो मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में इतना तेज था कि उसने हवा में ही कैलकुलेट करके उस सरकमफेरेंस पर बराबर बराबर की दूरी पर चार पॉइंट बनाए, जहां उसने बड़े बड़े पत्थर रखकर मार्किंग कर दी। समर और जयंत हैरान थे कि आखिर ये साहिल क्या नया तमाशा कर रहा था, लेकिन उन्हें ये भी पक्का भरोसा था कि साहिल जो भी करेगा उसमें वो इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकाल लेगा। फिर साहिल ने इसी तरह हवा में कैलकुलेट करके उन नकली चमगादड़ों के ऑर्बिट का सरकमफेरेंस भी निकाल लिया। साहिल ने कुछ सोचते हुए इस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री वाला गणित फिर से लगाया। वो मन ही मन बोल रहा था, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, फिर दोनों सर्कल्स, उस सरकमफेरेंस पर चार पॉइंट्स, जिनको मैच करके अंदर वाले सर्कल पर भी चार पॉइंट्स। साहिल ने खूब एक्साइटमेंट के साथ कहा तो टीम के बाकी लोगों ने पूछा कि उन्हें भी तो बताया जाए कि क्या हो गया। तब साहिल ने समझाया, उसने वो स्पेशल पॉइंट्स बना लिए थे जहां पर साहिल और उसकी टीम को अटैक करना था। इसके बाद उसने पूरा प्लान समझाया और साहिल की टीम ने पूरे प्लान को अच्छे से समझ लिया। अब बारी थी अटैक करने की। खेल का रोमांच तब और ज्यादा बढ़ गया जब साहिल और उसके तीनों साथी सबसे पहले 25,000 फुट की ऊंचाई तक उड़कर गए ताकि किसी भी हालत में वो चमगादड़ नुमा रोबोट्स के रडार पर ना आएं। फिर ऊपर से उन्होंने चमगादड़ को अपना निशाना बनाया। साहिल ने अपने तीनों साथियों को एक बार फिर समझाते हुए कहा, दोस्तों याद है ना, मेरा कमांड मिलते ही हम सबको अपने अपने टारगेटेड रोबोटिक चमगादड़ पर अटैक करना है। याद रहे, वेलोसिटी एकदम एक्यूरेट उतनी ही मेंटेन करनी है चारों लोगों को जितना मैंने बताया है। सबने हामी भरी, सब तैयार थे। साहिल ने काउंट किया, ऑन योर मार्क रेडी 1 2 3 गो। चारों एक ही स्पीड से नीचे आने लगे और फिर राइट टाइम राइट लोकेशन पर चारों प्लेयर्स ने एक साथ उन चारों चमगादड़ों पर एकदम परफेक्ट अटैक कर दिया। चमगादड़ नुमा रोबोट्स अब इनकी गिरफ्त में थे। प्लान के मुताबिक चमगादड़ों को गिराना नहीं था, वरना सिक्योरिटी अलार्म बज सकता था, बल्कि उन्हें पकड़कर एक साइड में ले जाना था। बेशक वो रोबोटिक थे, मगर फिर भी चमगादड़ों ने इनकी गिरफ्त से छूटने के लिए अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें पकड़कर रख पाना
मुश्किल होता जा रहा था। तभी साहिल ने कुछ नोटिस किया और उसने अपने ईयरपॉड के जरिए अपने साथियों से कहा, गाइस, इन रोबोट्स के कान के पीछे एक बटन है, वहां से बंद कर सकते हैं, ऑफ कर दो जल्दी। सबने एक साथ आहिस्ता से उन्हें पकड़कर उनके ऊपर लगे बटन को बंद कर दिया। अब वो लोग चमगादड़ के खतरे से बाहर थे। सबने राहत की एक लंबी सांस ली। अब बहुत चकन्ने होकर वो चारों लोग साइंस लैब में दाखिल होने लगे, लेकिन अंदर घुसते समय वो ये देखकर हैरान हो गए कि साइंस लैब में ना तो कोई सुरक्षा कर्मी था, ना कोई साइंटिस्ट और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति। वहां सब खाली पड़ा था, पर हां, जगह जगह घोंसलों में अलग अलग तरह की चिड़ियां सो रही थी। साहिल के मुंह से निकला, अब ये क्या नया नाटक है? उस पहाड़ी की ऊंचाई से दूर दूर तक सब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी टीम ने अलर्ट रहना बेहतर समझा, इसीलिए टीम को दो हिस्सों में बांट लिया गया। साहिल ने प्लान ऐसा बनाया कि जयंत को साइंस लैब की गुफा के मेन गेट पर रुककर रखवाली करनी थी। अगर उसे कोई खतरा दिखेगा तो वो एयरपोर्ट पर सबको अलर्ट कर देगा। समर और समीक्षा साहिल के साथ अंदर जाएंगे, साहिल आगे चलेगा और वो दोनों उसकी शैडो की तरह सिक्योरिटी देंगे। खतरा आने पर अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो लोग अंदर घुसे तो कोई खतरा नहीं दिखा। गुफा में हर तरफ बस चिड़िया अपने घोंसलों में सो रही थी। उस गुफा को क्रॉस करते हुए जब वो मेन साइंस लैब के अंदर तक पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान थे कि वहां पर कोई नहीं था। पूरे साइंस लैब में या तो केमिकल्स के बड़े बड़े कंटेनर्स थे या फिर सोती हुई चिड़ियां थी। यहां पर भी जगह जगह बस वो बर्ड्स अपने घोंसले में सो रहे थे। अलग अलग पक्षी के घोंसले थे, कहीं तोता, कबूतर, मैना, मोर, सुंदर पक्षी थे तो कहीं कौवा, बाज, चील जैसे शिकारी भी थे। समर ने कहा, गाइस ठीक से चेक कर लो मैप पर, सही जगह आए हैं ना? समझ ही नहीं आ रहा है कि ये साइंस लैब है या चिड़ियाघर। साहिल और समीक्षा हंस पड़े और समीक्षा ने कहा, अब जो भी है यही है, और मुझे लगता है कि या तो ये स्टेज बहुत आसान होने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। टीम आगे बढ़ी और अपने टास्क के हिसाब से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स डिवाइस को ढूंढने लगी। साहिल ने देखा कि इस गुफा के अंदर एक और मेन लैब थी। उसका दरवाजा बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी साहिल थोड़ा सा झुककर उसमें अंदर घुस गया। अंदर आकर उसने देखा कि एक बड़ी सी मशीन ऑटोपायलट मोड पर काम कर रही थी। तभी साहिल ये देखकर हैरान हो गया कि वहां बहुत सारे डेटोनेटर्स पड़े हुए थे, लेकिन वो मशीन एक एक करके सारे डेटोनेटर्स को फ्यूज कर रही थी। साहिल के पीछे पीछे समर और समीक्षा भी अंदर आ गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये मशीन डेटोनेटर्स को फ्यूज करके खराब क्यों कर रही थी। समर ने पूछा, यहां तो बहुत सारे डेटोनेटर्स हैं, हमें कौन से वाला लेना है? साहिल ने कहा, पहले जल्दी से इस मशीन को बंद करना पड़ेगा, वरना वो सारे डेटोनेटर्स को फ्यूज कर देगी और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। साहिल भागकर आगे गया ताकि कुछ डेटोनेटर्स को बचा सके। उधर साहिल के इशारे पर समर स्विच बोर्ड की तरफ गया और उसने जल्दी से मशीन का प्लग ढूंढ लिया और तुरंत मशीन का तार निकालकर उसे बंद कर दिया। टीम ने बचे हुए सारे डेटोनेटर्स को गौर से देखा। सब के सब एक जैसे थे, लेकिन एक डेटोनेटर अलग था। साहिल ने कहा, हो ना हो यही हमारा डेटोनेटर है। उसने वो उठा लिया। जैसे ही साहिल ने वो डेटोनेटर उठाया, उसके हाथ पर बंधी गेमिंग वॉच से आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस, आपको डेटोनेटर मिल गया, अब सही सलामत इसे अपनी बेस कैंप पर ले जाएं। डेटोनेटर हासिल करते ही समर ने ईयरपॉड पर बाहर खड़े जयंत को खबर दी, जयंत डेटोनेटर मिल चुका है, हम लोग बाहर आ रहे हैं। जयंत ने राहत की सांस ली। अब वो लोग बेफिक्र होकर बाहर की तरफ निकलने लगे, लेकिन तभी उन्हें मेन लैब के उस रूम में छोटी छोटी चिड़ियों ने घेर लिया। ये AI ऑपरेटेड कंप्यूटराइज्ड बर्ड्स थी, जो देखने में चिड़िया जैसी लगती थी मगर बहुत खतरनाक थी। जहां चोंच मार दे वहीं गड्ढा हो जाता था। एक चिड़िया ने समीक्षा को चोंच मारी तो तुरंत उसके हाथ से खून बहने लगा। छोटी सी चिड़िया का वो समूह अब इन पर हावी पड़ने लगा। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने डेटोनेटर्स पा लिया था तो अब कौन था जो इन चिड़ियों को ऑपरेट करके इन पर हमला कर रहा था। साहिल ने कहा, यहां जरूर कोई है जो हमें बाहर नहीं निकलने देना चाहता।
साहिल ने जब देखा कि चिड़िया उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने लगी तो उसने डेटोनेटर को अपनी बॉडी से कसकर बांधा और मन ही मन उसने सोचा अब अपना नाग मानव मोड ऑन करने का वक्त आ गया है। मगर तभी समीक्षा ने अपने पंख खोलने की कोशिश की और वो छत से टकरा गई। साहिल को समझ आ गया कि उस गुफा का दरवाजा बहुत छोटा था, यदि उसने विशाल रूप ले लिया तो वो इतने छोटे से दरवाजे से होकर बाहर नहीं निकल पाएगा। साहिल ने तुरंत समर को एयरपोर्ट पर कुछ कहा और तभी समर दौड़कर दरवाजे के पास पहुंच गया। साहिल की स्ट्रेटेजी के मुताबिक इधर साहिल चिड़िया को घेरते हुए एक तरफ ले जा रहा था और उधर समीक्षा ने सारे डेटोनेटर्स को दरवाजे के पास इकट्ठा कर दिया। साहिल ने जोर से कहा, समीक्षा निकलो तुरंत, 1 2 3। और फिर क्या, समीक्षा दरवाजे से बाहर निकली, फिर दौड़कर साहिल ने एक छलांग लगाई और वो भी बाहर निकल गया। चिड़िया अंदर ही रह गई। इससे पहले कि वो अटैक करती, समर ने उन बचे हुए डेटोनेटर्स में आग लगाकर सारे में धुआं कर दिया जिन्हें समीक्षा ने दरवाजे के पास रखा था। बाहर निकलते हुए समर के मुंह से निकला, छोटी सी चिड़िया है पर आफत की पुड़िया है। समीक्षा ने हंसते हुए कहा, शुक्र मनाओ जान बची। डेटोनेटर को लेकर जल्दी से वो तीनों बाहर निकल आए। जयंत पहले ही उनका गुफा के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। साई के पास डेटोनेटर को देखकर जयंत को जीत का एहसास हुआ और वो बहुत खुश हो गया। सबने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई और अब ये चारों साइंस लैब से निकलने के लिए तैयार हो गए। प्लान के मुताबिक अब उन्हें यहां से उड़कर सीधा एवियन वर्ल्ड के अपने बेस कैंप पर पहुंचना था। वहां पर उनके टेंट लगे हुए थे। अगले स्टेज के बारे में भी तभी पता चलेगा जब वो सही सलामत अपने बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। समर सबसे आगे था। उसने उड़ने के लिए पंख खोले ही थे कि तभी उसकी नजर सनराइज पर पड़ी। सामने वाली पहाड़ी के पीछे से सूरज की पहली किरण दिख रही थी। वो बेहद खूबसूरत नजारा था। गुफा से बाहर आते हुए जब जयंत की नजर भी सूरज की उस पहली किरण पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। जयंत ने सबको सूरज की पहली किरण दिखाकर कहा, गाइस वो देखो कितना प्यारा नजारा है, थैंक्स टू साहिल कि हम आज का सूरज देख पाए। सब लोग खामोश होकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। वहां सुकून था, शांति थी। वो सब सनराइज को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनकी जिंदगी का सूरज उग रहा हो। वाकई वो एक जबरदस्त नजारा था। सबके सब मंत्रमुग्ध रह गए थे। लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ खटर पटर की सी आवाज हुई। साहिल के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पलट कर देखा। एक पक्षी अपना पंख खुजा रहा था। फिर उसके बराबर वाला एक पक्षी जागने लगा। साहिल ने पक्षी को देखा, फिर सूरज को देखा और फिर सिचुएशन को समझते ही साहिल के होश उड़ गए। दरअसल सूरज की रोशनी आते ही वहां अपने घोंसले में सो रहे सारे पक्षी एक एक करके जागने लगे। साहिल खतरे को भांप गया और बोला, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी भागो यहां से। अब क्या होगा आगे? क्या सच में ये पक्षी जाकर साहिल और उसकी टीम को मार डालेंगे? क्या जटायु पर्वत पर चिड़ियों का राज था या कोई और राजा था जो पूरे एवियन वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था? कैसे निपटेगा साहिल इस नए खतरे से? क्या है ये डेटोनेटर का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए ये इंटरेस्टिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। साहिल और उसके साथी हिल टॉप पर बनी साइंस लैब से डेटोनेटर लेकर जैसे ही बाहर निकले उनके सामने सनराइज होने लगा। हालांकि देखने में वो सनराइज बहुत खूबसूरत था मगर सूरज की उस पहली किरण में छुपा हुआ था एक जानलेवा खतरा जो उन सब का इंतजार कर रहा था। साहिल की टीम को नहीं पता था कि जिस सूरज की किरणें पृथ्वी पर उन्हें जीवन देने का काम करती हैं, उसी सूरज की किरणें एवियन वर्ल्ड में इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। दरअसल एवियन वर्ल्ड के खूनी पक्षी सूरज की रोशनी से ही एक्टिवेट होते थे और अगर रोशनी ना हो तो वो तुरंत डीएक्टिवेट हो जाते थे। रोशनी के गुफा में पहुंचते ही वहां मौजूद सभी पक्षी एक एक करके एक्टिवेट होने लगे थे और वो खूनी पक्षी में तब्दील होने लगे। समर ने कहा, गाइस ये बर्ड हमें इतने गुस्से में क्यों देख रही है?
जब साहिल ने अपने स्पेशल चश्मे से देखा तो उसे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साफ दिखने लगी और वो समझ गया कि ये सब पक्षी कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड थे कि सनरेज की यूवी रेज से इन बर्ड्स में छिपी एक खास तरह की नेगेटिवली आयोनाइज्ड एंटी ह्यूमन एनर्जी एक्टिवेट हो रही थी, इसलिए वो शांति प्रिय पक्षी भी नरभक्षी बनकर हमला करने लगते थे। साहिल ने कहा, ये पक्षी अभी तक अपने घोंसलों में चुपचाप सो रहे थे, इसलिए हमने अपना काम आसानी से कर लिया, लेकिन अब ये जागने लगे हैं, इसलिए हमें तुरंत निकलना होगा यहां से, वरना ये सब मिलकर हमें नोच खाएंगे। साहिल का कमांड सुनते ही टीम ने भगदड़ मचा दी। जयंत सबसे आगे था, इसलिए सबसे पहले जयंत ने जटायु पर्वत के टॉप से छलांग लगा दी और वो अपने हेलीकॉप्टर विंग्स को ऑन करके बाहर की तरफ उड़ गया। जयंत के पीछे था समर, लेकिन जैसे ही समर ने उड़ने के लिए कदम बढ़ाया तभी एक बहुत बड़े साइज के मुर्गे ने उसके पैर को पकड़कर पीछे खींच लिया। समर मुंह के बल गिरा। इतनी देर में वहां पर बहुत सारे खूनी मुर्गे आ गए और वो घायल समर को गुफा के अंदर खींच कर ले जाने लगे। इसी बीच साहिल और समीक्षा मुख्य द्वार तक पहुंच गए और वो दोनों वहां से उड़कर बच सकते थे, मगर जब साहिल ने देखा कि समर को मुर्गों ने पकड़ लिया था तो उसने समीक्षा से कहा, समीक्षा तुम जल्दी निकलो, मैं समर की मदद के लिए जाता हूं। समीक्षा बोली, लेकिन साहिल मैं भी तुम्हारे साथ। साहिल ने जोर से कहा, टाइम वेस्ट मत करो समीक्षा, तुरंत निकलो यहां से। इतना कहते ही साहिल पलटा और वो तुरंत समर को बचाने के लिए पीछे लौट गया। गुफा के अंदर साहिल दौड़कर उस तरफ पहुंच गया जहां उन मुर्गों ने समर को घेरा हुआ था। नेगेटिव आयनाइजेशन की वजह से सारे एंटी ह्यूमन पक्षी इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि उनसे अकेले निपटना समर के बस का नहीं था। साहिल मुर्गों से निपटने के लिए पहुंचा, लेकिन मुर्गे बहुत सारे थे, वो समर पर भारी पड़ रहे थे। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे मुर्गों से कैसे निपटा जाए। तभी साहिल को एक आइडिया आया। उसने एक पत्थर उठाया, आगे बढ़ा और सबसे बड़े मुर्गे को ऐसे टारगेट किया जैसे महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख को टारगेट किया था। फिर साहिल ने ऐसा जोरदार निशाना लगाया कि एक ही वार से वो सबसे बड़ा मुर्गा रगड़ता हुआ दूर तक गया। इतने में सारे पक्षी तितर बितर हो गए। फिर साहिल ने अपना हाथ बढ़ाया और समर को जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया, मगर साहिल ने देखा कि समर की कंडीशन सिवियर हो चुकी थी। उसका पैर तो बहुत ही ज्यादा घायल था, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहा था। साहिल ने समर को अपने कंधे पर उठाया और वहां पड़ा हुआ लकड़ी का एक डंडा अपने हाथ में उठा लिया। अब जो भी पक्षी उस पर हमला करता साहिल उसे मजा चखा देता, लेकिन तभी उसके सामने दिल दहलाने वाला नजारा आया। पक्षियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बेरहमी से किसी को नोच नोच कर मार रहा था। साहिल ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि समीक्षा थी। साहिल ने चीख कर कहा, समीक्षा तुम यहां कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बाहर भागने के लिए कहा था। हे भगवान, अब मैं तुम दोनों को कैसे बचाऊं? टीम अब घिर चुकी थी, बचने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था, मगर निराश होकर हार मान लेना साहिल की फितरत नहीं थी। साहिल ने पहले ही जयंत को कुछ प्लान समझाया हुआ था और अब वक्त था वो प्लान एग्जीक्यूट करने का। साहिल ने तुरंत अपने ईयरपॉड सेट किए। उसने ईयरपॉड पर जयंत को पुकारा, जयंत, जयंत, कॉल इन जयंत। दूसरी तरफ से आवाज आई, जयंत हियर साहिल, प्लीज कमांड। साहिल ने जयंत को कमांड किया, जयंत अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, प्लान बी एक्टिवेट करो। जयंत ने जवाब दिया, ओके आई एम कमिंग। जयंत ने अपने हेलीकॉप्टर विंग्स की स्पीड बढ़ा दी और वो सीधा ग्राउंड की तरफ गया। जब गुफा में से घायल समीक्षा ने जयंत को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा तो वो बोली, ये पागल जयंत हमें बचाने के बजाय खुद ग्राउंड की तरफ क्यों भाग गया? इतनी देर में साहिल ने हाथ बढ़ाकर समीक्षा को भी उठाया और मुस्कुराने लगा। समर और समीक्षा समझ गए थे कि जरूर साहिल ने कोई प्लान बनाया था, लेकिन तभी वहां बहुत सारे कौवे आ गए। कौवों ने सीधा इनकी आंखों पर हमला करना शुरू कर दिया। साहिल ने अपनी आंखें बचाते हुए कहा, गाइस अपनी आंखें बचाओ, ये मायावी कौवे हैं, ये सीधा आंखें फोड़ते हैं। तभी समर को एक आइडिया आया, वो बोला, गाइस अपनी आंखों पर चश्मा लगा लो,
वो बहुत मजबूत चश्मे हैं, टूटेंगे नहीं। कौवे इन पर लगातार हमले कर रहे थे। इन तीनों ने चश्मे पहन लिए ताकि आंखों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन फिर भी कौवे तादाद में बहुत अधिक हो गए थे, इसलिए मुंह उठाना भारी पड़ रहा था। साहिल ने चीख कर एक हुंकार भरी और कहा, गाइस पत्थर उठाओ और मारो, अब यही एक रास्ता है। साहिल, समर और समीक्षा ने वहां पर पड़े हुए पत्थर उठा लिए और एक एक करके उन कौओं को अपना निशाना बनाने लगे। प्लेयर्स 3 मगर कौवे 33 थे। इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये तीनों लगातार उन कौओं को करारी टक्कर देने लगे। पर ये क्या, अब उन पक्षियों ने एक आर्मी स्टाइल फॉर्मेशन बना लिया था और अब वो दो तरफा हमला के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही साहिल को पक्षियों की स्ट्रेटेजी समझ आई, उसने अपने साथियों से कहा, गाइस वो कौवे अब हम पर दो तरफ से हमला करेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे को शेडो देते हुए बाहर की तरफ बढ़ना है। तुरंत ट्रायंगल फॉर्मेशन बना लो। वो तीनों एक दूसरे के पीछे ट्रायंगल फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से खड़े हो गए थे कि अब वो 360 डिग्री का व्यू ले सकते थे। कौवे अब इन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही फॉर्मेशन में ये बाहर की तरफ बढ़ने लगे, तभी समीक्षा ने गलती से समर के घायल पैर पर पैर रख दिया। समर दर्द से कराहते हुए बोला, मम्मी, ओ कुचल डाला मेरा पैर। समीक्षा क्या कर रही है तू? तू अपनी साइड है या दुश्मन बर्ड की साइड है? ट्रेजेडी में कॉमेडी हो गई तो साहिल को हंसी छूट गई, लेकिन समीक्षा ने सीरियस अंदाज में जवाब दिया, आई एम सो सॉरी समर, ज्यादा लग गई। समर ने कहा, ज्यादा लग गई? तूने तो जान ही निकाल दी मेरी, बात कर रही है। समीक्षा बोली, अरे यार सॉरी बोला ना समर, मैंने एक तो मैं तुझे बचाने आई और तू उल्टा मुझे ही डांट रहा है अब। समर ने चिढ़ते हुए बोला, क्यों आई थी तू? जब साहिल ने तुझे बोला था बाहर जाने के लिए, फिर तू अंदर बर्ड्स के साथ आई स्पाई क्यों खेलने लग गई थी? समीक्षा अब गुस्से से लाल होकर बोली, ओए हीरो, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अंदर आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ कौवे भी हमला कर देंगे। साहिल ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस 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 गाइस, हमें कौओं से लड़ना है, आपस में नहीं। तभी वहां बहुत तेज हवा चलने लगी, ऐसे लगा जैसे किसी ने पंखा चालू कर दिया हो। सबकी नजर बाहर की तरफ गई। गुफा के बाहर अद्भुत नजारा था। उनके सामने जयंत दिख रहा था। उसने अपनी पीठ पर लगे स्पेशल विंग्स को बहुत तेज स्पीड पर चलाया हुआ था और वो हवा में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा था। जब जयंत हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ता हुआ आया तो सब ये देखकर हैरान थे कि उसने एक रस्सी से बहुत बड़े पत्थर को बांधा हुआ था। दर्द से कराहता हुआ समर बोल पड़ा, अरे भाई अब ये जयंत क्या पत्थर से कुचलेगा मेरा पैर? ये पत्थर क्यों उठा लाया? साहिल ने समर और समीक्षा का हाथ पकड़ा और बोला, समर मेरी बात गौर से सुनो, हमारे पास सिर्फ एक मौका है यहां से निकलने का, इसलिए कैसे भी करो बस मेरा इशारा मिलते ही तुम दोनों जल्दी से दौड़कर गुफा से बाहर कूद जाना। समर ने पूछा, लेकिन भाई मेरा पैर घायल है और ये पक्षी वो हमारे पीछे पीछे बाहर आ जाएंगे। साहिल ने कहा, तुम बस थोड़ा सा दर्द सहकर दौड़ लगा लो और पक्षियों की चिंता मत करो, अब वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। इतना कहते ही साहिल दौड़ता हुआ पक्षियों की तरफ भागा। सारे पक्षियों का ध्यान उसकी तरफ गया तो वो उसके पीछे भागे। साहिल ने जोर से कहा, गाइस तुम लोग बाहर भागो, जल्दी निकलो बाहर। साहिल का इशारा पाते ही वो लोग बाहर की तरफ दौड़े और गुफा से बाहर कूद गए। बाहर कूदते ही उन्होंने अपने विंग्स खोल दिए और वो उड़ने लगे। उधर सारे पक्षी साहिल के पीछे लगे हुए थे, लेकिन साहिल ने पक्षियों को चकमा दिया और वो भी लास्ट मोमेंट पर गुफा से बाहर कूद गया। इतनी देर में जयंत अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर ले आया और उसने हेलीकॉप्टर से बंधे पत्थर को सूरज के सामने कुछ ऐसे लगा दिया कि गुफा के अंदर अब सूरज की रोशनी आना बंद हो गई। अंधेरा होते ही पक्षी अपनी जगह पर ही रुक गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर जयंत ने उनके बाहर आते ही वो चट्टान गुफा के मुंह पर लगा दी। अब चारों ने मिलकर गुफा का मुंह चट्टान से बंद कर दिया और जब गुफा में सूरज की रोशनी आना बंद हो गई थी तो सब पक्षी
अपने अपने घोंसलों में फिर से सोने चले गए। फिर वो लोग अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। साहिल ने अपनी कमर पर बंधे हुए डेटोनेटर को निकालकर चूमा और अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, हम इस गेम का पहला पड़ाव जीत चुके हैं। अब वो चारों खुशी खुशी हवा में उड़ रहे थे और सुंदर नजारों का आनंद ले रहे थे। कुछ ही देर में वो अपने उस बेस कैंप पर पहुंच गए जहां पर उनके टेंट लगे हुए थे। बेस कैंप पर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। सबको बहुत जोर से भूख लगने लगी। समर ने कहा, अरे यार किसी के पैक में खाने के लिए कुछ है? जयंत बोला, मुझे पता था कि भूख वाले टाइम पर किसी के पास कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए मैं अपने घर से ही ये कॉफी के पाउच और इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स रख लाया था। समीक्षा ने ग्राउंड पर लकड़ियां लगाकर आग लगा ली और फिर अपने टेंट से कुछ बर्तन निकाल लाई। इधर खाना बन रहा था, उधर समर ने साहिल से पूछा, भाई पहला स्टेज तो हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? साहिल ने कहा, जब तक अगला टास्क नहीं आता तब तक यहीं बैठकर कॉफी और नूडल्स का मजा लेते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। समर ने कहा, साहिल हम यहां आराम करने थोड़ी आए हैं। जयंत ने सबको कॉफी और नूडल्स देते हुए कहा, ओए कर ले आराम भाई, क्या पता फिर रेस्ट मिले या फिर रेस्ट इन पीस हो जाए। सब जोर से हंस पड़े। तभी अचानक सबकी रिस्ट वॉच पर मैसेज आया। साहिल ने मैसेज पढ़ना शुरू किया, कंग्रेचुलेशंस, डेटोनेटर को हासिल करके आपने स्टेज वन का कार्य पूरा कर लिया है। अब आपको जटायु पर्वत पर बनी काल रात्रि गुफा में जाकर गिगलमिश से इस डेटोनेटर का रिसेप्टर हासिल करना है। फिर उन लोगों के पास रिसेप्टर की लोकेशन आ गई। साहिल ने जल्दी से अपनी कॉफी और नूडल्स को निपटाया और बोला, तुम लोग कुछ देर आराम करो, जटायु पर्वत पर बनी काल रात्रि गुफा की लोकेशन नजदीक ही दिख रही है, मैं जल्दी से इस लोकेशन की रेकी करके आता हूं। समर भी साहिल के साथ हो लिया। दोनों लोग उड़कर कुछ ही देर में जटायु पर्वत के पास पहुंच गए और उस लोकेशन पर छिपे हुए खतरे को ढूंढने और समझने लगे जहां से रिसेप्टर मिलना था। तभी आसमान में बादलों जितनी बड़ी एक आकृति आई। ये बहुत ही विशाल जीव था। जब वो जीव सूरज के सामने से गुजरा तो कुछ देर के लिए धूप ही आना बंद हो गई। साहिल और समर ने छिपकर देखा। जटायु पर्वत पर जब ये जीव उतरा तो चट्टाने हिल गई। इतना बड़ा जानवर देखकर इनकी हवाइयां उड़ गई। सामने मौत का साक्षात दूत था। वो आधा मानव और आधा गिद्ध था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और आंखें अंगारे जैसी लाल थी। उसे देखकर साहिल के मुंह से निकला, ये तो गिगलमिश है। कौन था ये गिगलमिश? उसे देखकर साहिल जैसा बहादुर प्लेयर घबरा क्यों गया? अब कैसे निपटेगा साहिल इस राक्षसी जीव से? कहीं गिगलमिश इन्हें मार तो नहीं देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।